सरल भाषा संस्कृतम्, सरस भाषा संस्कृतम्, सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। हे विभो आनंद सिंधो, मे च मेधा दीयता, यच्च दुरितम दीन बंधु, तच्च दूरम नीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। त्वयि च वीर्यम विद्यते यत् तच्च मय्यनिधीयताम्। शरणं याचे तावकीनं सेवको अनुग्रीहताम्। याच दुर्गुण दीनतामयि, याच दुर्गुण दीनतामयि, सातु शीघ्रं क्षीयताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसं च, शौर्यं धैर्यं तेजसं च, भारते च क्रीयताम्। हे दयामयय्यनादे, हे दयामयय्यनादे, प्रार्थना मम श्रूयताम्। संस्कृत दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसे मनाने का एक ही उद्देश्य है कि इस भाषा को और बढ़ावा मिले, आम लोग इस भाषा के बारे में जाने और हमारी पीढ़ी इस भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े। संस्कृत भाषा पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। विश्व की अनेक भाषाएं संस्कृत से ही प्रभावित हुई हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और हमारी अनेक भाषाएं जो कि भारतीय भाषाएं हैं, वो सभी संस्कृत से ही जन्मी हैं। संस्कृत ही इन सबकी जननी है। हमारे धार्मिक एवं सामाजिक ग्रंथों में संस्कृत भाषा का योगदान उल्लेखनीय है। इससे इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। संस्कृत दिवस कई सालों से हमारे देश को समृद्ध बना रही है। संस्कृत भाषा हमारे देश की विरासत का प्रतीक है। संस्कृत भाषा की मदद से ही हम हमारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथों के बारे में जान पाए, उनके असंख्य रहस्यों को जान पाए। संस्कृत भाषा से हमारी मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री भी प्राप्त हुई है। पर कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृत भाषा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि यह बहुत पुरानी भाषा है और आजकल लोगों को इसे पढ़ने में और बोलने में शर्म आती है। संस्कृत दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है ताकि हर कोई इस भाषा के बारे में जान सके और अपनी सोच को इस दिवस के बारे में बदल सके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग्य व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् माधवम् रीरचापलम् तेजःशमाद्रुतिःशौचम् मद्रोः मातिमानिताम् भवन्ति सम्पदम् देवी त्याग शान्तिर्भारतम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारश्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासरिम् देवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय श्रीमता माश्च सम्पदं देवी स्याग शान्तिर् पाण्डव द्वौभूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसर एव च देवो विस्तर च प्रोक्तः आसरं पार्थ मे शृणु। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्, मधुर भाषा संस्कृतम्।
मधुर मनोहर अमृत तुल्य भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम भेद भाव विनाशकम खलु दिव्य भाषा संस्कृतम मनसा सततम स्मरणीयम् वचसा सततम् वदनीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् मनसा सततम् स्मरणीयम् वचसा सततम् वदनीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् न भोग भवने रमणीयम् न च सुख शयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् मनसा सततम् स्मरणीयम् वचसा सततम् वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गमनीयम् न च निज सौख्यं मरणीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततम् वचसा सततम् वदनीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपने भ्रमणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् लोकहितम् मम करणीयम् अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मंजुला
कठिनासुरसुबोधा विश्वमनोज्ञा सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया ललिता हृदय रमणीया व्यास विरचिता गणेश लिखता व्यास विरचिता गणेश लिखता महाभारते पूर्ण कथा महाभारते पूर्ण कथा कौरव पांडव संग रम मथिता कौरव पांडव संग मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवत गीता विश्ववंदिता भगवत गीता अमृत मथुरा करण दीपिका अमृत मथुरा करण दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना अमृत भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु तस्का तुमेव तुमेव विद्या बलम् तुमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ भूर्भुवस्वः दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभानिगम्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवर्धानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ॐ श्री पद्मात्मने नमः अथ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्रौ उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा शैव किमपूर्वद संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तद आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमाब्रवी पश्येत पांडुपुत्राणा आचार्य महति समु व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महिष्वास भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथ त्रिष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुजित् कुन्तिबोधस्य शैर्यस्य नरपुंगवः ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग् भवेत् गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुर्वे नमः हमारे देश में संस्कृत भाषा सिर्फ एक वैदिक भाषा बनकर सिमट गई है। इसे विद्वानों और विशेषज्ञों की भाषा मानकर इससे परहेज किया जाता है। किसी अन्य भाषा की तुलना में इस भाषा को कोई महत्व ही नहीं दिया गया क्योंकि वर्तमान युग में उच्च भाषा को ही वरीयता दी जाती है जिसका व्यवसायिक मूल्य सर्वोपरि होता है। कर्मकांड के क्षेत्र में इसे महत्वता तो दी है परंतु कर्मकांड की वैज्ञानिकता ना होने से इसे अंधविश्वास माना गया और इसका दुष्प्रभाव संस्कृत पर पड़ा।
अगर हम इसके महत्व को समझकर इसका प्रयोग करें तो हमें इससे कई लाभ होंगे। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसमें कई सारी विशेषताएं भी मौजूद हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग चल रहा है, प्रयोग इसे डिजिटल भाषा बनाने का। और जिस दिन यह प्रयोग साकार होगा, एक नए युग का उदय होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। शास्त्र भाषा संस्कृतम्, शास्त्र भाषा संस्कृतम्, शास्त्र शास्त्र मृदश भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतम्।